महोबा में मोबाइल नेटवर्क न मिलने पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक टेलीकॉम कंपनी के टावर के सिग्नल न मिलने पर महिला ने परिजनों के साथ मिलकर इंजीनियर की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। निजी कंपनी के टेक्निकल इंजीनियर की पिटाई का वीडियो ग्रामीण ने कैमरे में कैद कर लिया और फिर वीडियो को वायरल कर दिया। आइए आप भी देखिए इंजीनियर की पिटाई का वायरल वीडियो। वायरल वीडियो में हाथों में पत्थर लिए आप जिस महिला को देख रहे हैं, दरअसल ये एक निजी कंपनी के टावर से सिग्नल न मिलने से कुछ इस तरह से परेशान हो उठी कि इंजीनियर का सिर फोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से मोबाइल में टावर नहीं आ रहे थे। इस बात को लेकर सभी ग्रामीण काफी परेशान चल रहे थे। मोबाइल का समय से रिचार्ज कराने के बाद भी महिला के मनोरंजन में बाधा आ रही थी। इस मामले से वो इस कदर नाराज हो गई कि इंजीनियर के टावर पर पहुंचते ही महिला ने अपने बच्चों के साथ टेक्निकल इंजीनियर की पिटाई कर दी। वो टावर गए थे तो बंद था टावर, ठीक है। उस टावर को साइड करने के लिए 4 घंटे से साइड डाउन था, 4 घंटे से वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। फिर भेजा गया मेरे को, टेक्नीशियन नहीं था तो हमको जाना पड़ा। वहाँ गए टेक्नीशियन के साथ तो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा आदमी, तुम आया हो टावर ऑन करने के लिए इस टाइप का, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और वहाँ है कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि जब से आए हैं तब से तो उसको डीजल फ्रिक्वेंट फेलिंग मतलब चोरी ही कर लेता है वो हमारा। कौन, क्या नाम है उसका? नाम आता पता हमको कुछ पता नहीं है उस लैंड ओनर का ज़्यादा, तो वही है क्या प्रधान बोलता है उसको सब। इस घटना में घायल इंजीनियर की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस आला अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित श्रोतिया की रिपोर्ट।